जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता मरियम और यूसुफ उनके लिए बैतलहम में एक जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी एक कमरा नहीं मिला। यदि जोसेफ और मैरी चंडीगढ़ में हमारे घरों में आते हैं तो क्या उनको यीशु के लिए कमरा मिलेगा? चलो देखते हैं। जोसेफ और मैरी सेक्टर 7 में डैनियल के घर पहुंचते हैं। डैनियल एक स्पाइरिंग क्रिकेटर है, वह चाहता है कि वह आईपीएल में सिलेक्ट हो जाए। नॉक नॉक। फोन कांटेक्ट करने आ गया। हेलो हेलो, मैं हूँ जोसेफ और ये मेरी मंगेतर मैरी। हम दोनों बहुत दूर से आए हैं अपने बेटे जीसस के लिए कमरा ढूंढने। यीशु क्या क्रिकेटर है? कभी सुना तो नहीं? नहीं नहीं, वो क्रिकेटर नहीं, वो गॉड है। गॉड आपका मतलब सचिन की तरह? सचिन तो क्रिकेट का गॉड देवता है। वह जीसस कौन से लीग में खेलता है? अरे नहीं यीशु, जीसस क्रिकेट के गॉड नहीं, वो तो इस पूरी दुनिया के गॉड है। अच्छा, तो वह मुझे जीसस क्रिकेट में खेलने में मदद नहीं करेगा? अच्छा, तो मेरे लिए उनके पास कोई जगह नहीं, आप जाओ जाओ। जोसेफ और मैरी वहाँ से निकलकर अगले घर पहुँचते हैं। यह घर संस्कृति का है। संस्कृति एक एस्पायरिंग मॉडल है, वह अपने लुक्स पर बहुत ध्यान देती है और अपनी मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। नॉक नॉक। उफ, अब कौन होएगा? लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बोलिए क्या चाहिए आपको? हम चंडीगढ़ में अपने बेटे जीसस के लिए रहने के लिए जगह ढूंढने आए हैं। अच्छा, सुनने में तो कोई फेमस लग रहा है, क्या वो मुझे मेरी मॉडलिंग करने में कोई हेल्प करेगा? नहीं, उसे मॉडलिंग में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसने ही सब कुछ सुंदर बनाया है। ओह, सब कुछ सुंदर बनाया है, मतलब क्या वो कोई प्रोड्यूसर है या फिर कोई डिजाइनर? नहीं, वो गॉड है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला। उफ, आपने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जिन्हें मैं जानती ही नहीं हूँ उन्हें मैं रख के क्या करूँगी? चलो चलो जाओ यहाँ से। जोसेफ और मैरी वहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़कर डैनी के घर पहुँचते हैं। डैनी एक हेल्थ फ्रीक है, वह हमेशा अपना ध्यान एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट्स में लगाता है। It must be my friend from the gym. Coming. Hello, मैं हूँ जोसेफ और ये मेरी मंगेतर मैरी। Yes, what can I do for you? हम चंडीगढ़ में अपने बेटे जीसस के लिए कमरा ढूंढने आए हैं। I have been looking for someone to work out with me. I hope he's young as me. नहीं, वो सर्वशक्तिमान गॉड है। मुझे नहीं लगता वो वर्कआउट करते होंगे। God, oh no, I don't have time for all this. Please, go away, go. जोसेफ और मैरी अब PGI की तरफ चल पड़ते हैं। PGI एक बहुत बिजी हॉस्पिटल है। आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, जाके फिल करके आओ। नेक्स्ट। हाँ जी, आप बताओ क्या बात है? मुझे एक्सरे करवाना है। सेकंड फ्लोर रूम नंबर 16। लेकिन अब तो बंद हो गया होगा, आपको पता नहीं है कि टाइम पर आना है? 11 बजे काउंटर बंद हो जाता है, अब 3 बज गए हैं, चाय पीने का टाइम है, जाओ कल आना। नेक्स्ट। हेलो, हम अपने बेटे जीसस के लिए चंडीगढ़ में रहने के लिए जगह ढूंढने आए हैं। क्या आपको ये होटल लगता है? नहीं, मुझे पता है ये हॉस्पिटल है, पर हमें कहीं जगह नहीं मिली तो हमने सोचा यही आकर पूछ लेते हैं। क्या आपका बेटा बीमार है? नहीं, बीमार तो नहीं, पर वह बीमारों को चंगा कर सकता है। हमारे पास पहले से ही एक चंगा करने वाला है। डॉक्टर साहब देखो ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी बोलो, क्या बात है? हमें अपने बेटे जीसस के लिए रहने के लिए जगह चाहिए। क्या आपका बेटा डॉक्टर है? एक्चुअली हमारे यहाँ सारे हॉस्टल फुल हो चुके हैं, आप उसके लिए 15 सेक्टर में कोई PG देख लो। हमारा बेटा डॉक्टर तो नहीं, पर वो जब प्रार्थना करते हैं तो अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं और बीमार चंगे हो जाते हैं। ओह नो, अगर वह कोई डॉक्टर नहीं है तो उसको यहाँ कमरा कहाँ से मिलेगा? हमारे यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही हॉस्टल है। आप चलिए। जोसेफ
और मैरी अब झील के पास के सेक्टर की तरफ बढ़ती है। वह एक बड़े घर में पहुंचते हैं। यहाँ एक माँ अपने दो बेटों के साथ रहती है। नॉक नॉक। ओहो, अब कौन आ गया? शीला, जाके देखो दरवाजे पे कौन है। अरे, आज तो वो आई नहीं। हमेशा कहती है मुझे गांव जाना है, यहाँ जाना है। अब मुझे जाना पड़ेगा। देख नहीं सकते गेट पे क्या लिखा है? डॉग इनसाइड वेयर। मॉम, मॉम, डॉग इनसाइड वेयर नहीं, वेयर ऑफ डॉग। अच्छा, जो भी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से जाओ। मैं कुछ बेच नहीं रही हूँ, हम बस अपने बेटे जीसस के लिए यहाँ पे कमरा ढूंढने आए हैं। क्या ये आपको आश्रम दिखता है? मेरा छोटा बेटा मेरे लिए पहले से हैंडफुल है। हैंडफुल नहीं मॉम, देखा मैंने क्या बोला? यीशु भी मेरा इकलौता बेटा है और वह संसार में शांति लाने को आया है। वहाँ शांति की बातें कौन कर रहा है? ये कोई लेडी है और अपने बच्चे के बारे में कुछ बोल रही है। आपने कहा आपका बेटा शांति देता है, मुझे थोड़ी सी शांति इस घर में चाहिए। क्या वो मेरी मदद कर सकता है? मैं हमेशा स्ट्रेस रहता हूँ कॉलेज में और घर में। वो क्या करता है, मेडिटेशन, योगा या फिर कोई मंत्र? अरे नहीं, वो तो ऐसी शांति देता है जो हमारे समझ से पार है। हमें हर एक परिस्थिति का सामना करने का बल, शक्ति, हिम्मत और ताकत देता है। बाप रे, बस करो, इस घर में शांति देने के लिए मैं ही काफी हूँ। जाओ यहाँ से। अब शाम होने लगा है। मैरी थक चुकी है। वह फिर से सेक्टर 7 पहुँचते हैं। लोगों के सोने से पहले वह एक घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह एक घर देखते हैं। इस घर में माँ बीमार है, एक बेटी है और पिता अपनी नौकरी खो चुका है। गुड इवनिंग। हम जानते हैं कि बहुत रात हो चुकी है, सबका सोने का वक्त हो चुका है, पर हमें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। I'm so sorry. I really don't think we have anything to give you. Hello, मेरी बेटी सच कह रही है कि हमारे पास आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही पैसे ना ही कपड़े। हमें बस अपने बेटे जीसस के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक घर है, लेकिन वो छोटा है और सुंदर भी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे जीसस को छोटे या बड़े घर की या सुंदर या गंदे घर की कोई परवाह नहीं। ठीक है, उसे बस चाहिए कि कोई उसके लिए अपने घर का द्वार खोले। ठीक है, फिर आप आ सकते हैं। ठीक है, मैं जीसस को लेके आती हूँ। मैंने तो सोचा आपका बेटा जीसस एक छोटा बच्चा है। नहीं, आज मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आज से 2000 साल पहले एक बच्चे के रूप में मैंने इस धरती पर जन्म लिया था। सारे मानव जाति का बोझ अपने ऊपर लेकर मैंने अपने आप को इस संसार के लिए कुर्बान कर दिया और 3 दिन बाद जी उठा। आज मैं सारे ब्रह्मांड का महाराजा होकर विराजमान हूँ। आज जो कोई मुझे अपने जीवन में स्वीकार करता है, मैं उसके जीवन को बदल कर उसके जीवन को फलवंत करता हूँ और उसके हर तरह के बंधनों से उसे स्वतंत्र करता हूँ और नया जीवन देता हूँ।